वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, मेरे आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ स्कैरी नंबर चैलेंज, यानी हॉन्टेड नंबर पे मैं कॉल करने वाली हूँ। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है मैंने देखा था, तो फाइनली मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये वीडियो करने का कोशिश किया, क्योंकि इससे पहले मैंने दो चैलेंज किया हुआ है और उनसे मैं इतना डर चुकी थी कि ये जो चैलेंज है उसको करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए था। तो कैसे भी करके इसके लिए मैंने हिम्मत जुटा के मैं अब 3 PM हॉन्टेड नंबर कॉलिंग जो है चैलेंज करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं और क्या हमें मिलता है, कितना सच है और कितना झूठ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखना। तो पहला जो नंबर है 999999, और ये थाईलैंड का नंबर है, जहाँ पे आप अगर कॉल करते हो तो वो डेविल से बात होता है डायरेक्टली। और ऐसा बोला जाता है कि इस नंबर पे बिल्कुल भी मतलब फ़ोन नहीं करने के लिए, ये नंबर बहुत टाइम से जो है बंद है। अगर आप इस पे कॉल करते हो तो आपका बात डायरेक्टली डेविल से होता है। तो चलिए इस नंबर पे कॉल करते हैं और देखते हैं। तो ये नंबर नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, और साथ में ये थाईलैंड का मतलब थाईलैंड लैंग्वेज में बोल रही है, कौन सी लैंग्वेज में बोल रही है बिल्कुल भी पता नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन ये नंबर नॉट एग्जिस्ट, एक बार और ट्राई करके देखते हैं। पता नहीं चल रहा है। तो गाइस अब दूसरा नंबर ट्राई करके देखते हैं, और ये जो नंबर मैं ट्राई करने वाली हूँ इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि बुल्गेरिया का जो कंट्री है वहाँ पे किसी ने ये वाला नंबर, आप देख पा रहे हो 888888, तो वो वाला नंबर जो है वहाँ पे किसी ने ये लिया था, और ये नंबर लेने के 2 साल के अंदर अंदर वो आदमी का डेथ हो गया। उसके बाद दूसरा किसी ने ये नंबर जब यूज़ करना चाहा, यानी उसने जब ये नंबर लिया उसका भी 2 साल के अंदर डेथ हो गया। और तीसरा बार इस नंबर को जिसने चलाया है, जिसने ये नंबर लिया है, उसका भी डेथ हो गया। तो अब हम उस नंबर पे कॉल करते हैं और देखते हैं। मत कर, करिए, मन डर लगता है। ये कौन सा लैंग्वेज में बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये तो नंबर नहीं लगा। मैं चाहती हूँ कि कोई भी नंबर पर रिंग ना जाए और ना कोई रिसीव करे, बस नंबर डायल करके। तो गाइस तीसरा जो नंबर हम डायल करने वाले हैं वो है 1666666666। इसके पीछे जो स्कैरी स्टोरी है वो ये है कि एक लेडी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, तो उसी वक्त इसको इस नंबर से कॉल आया, और उसने इस नंबर को मतलब उस टाइम वो पिक नहीं कर पाई, रिसीव नहीं कर पाई। तो उसके बाद उसको लगातार मतलब विदिन 1 मिनट 48 मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। और उसने जब मैसेज जो है ओपन करके देखा उसमें लिखा था शैतान। तो उस नंबर पे हम डायल करके देखते हैं, और जब लेडी ने उस नंबर पे कॉल बैक किया तो उसको एक कोई प्री रिकॉर्डेड जो है सॉन्ग उधर से सुनाई दिया, और वो बहुत ज़्यादा डरावना था। तो उस नंबर पे हम कॉल करते हैं
और देखते हैं। 666666 आप कॉल करके देखते हैं। नंबर यू ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो गया, मोबाइल हैंग होने लगा। जब भी मैं कॉल कर रही हूँ तो एक अलग ही तरीके का लैंग्वेज से वो बोल रहा है, साथ यही बोल रहा है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं है, ये नंबर गलत है, सही नहीं है, लेकिन ये लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। भगवान का शुक्र है कोई भी नंबर नहीं लगा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी नंबर जो है रिंग करे। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 666। ये नंबर डायरेक्टली डेविल से बात होता है। डेविल जो है मतलब डेविल जो होते हैं वो शैतान होता है, लेकिन शैतान का जो राजा होते हैं उसका नंबर ये बोला जाता है। अगर आप 666 में कॉल करते हो तो डायरेक्टली डेविल से बात होता है, मतलब शैतान का जो किंग होता है उससे आपका बात होता है, तो इस नंबर पे कॉल करते हैं। ये नंबर 3 मतलब लेटर का है 666 सिर्फ, तो आप देख सकते हैं ओनली 666। नंबर यू ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक योर नंबर एंड ट्राई अगेन। नाकी एमी ड्यूटिन आउटडाउन मेडले आउटडाउन शिफ्टेडी लोक सुना। जब भी कॉल करो ये कौन सा लैंग्वेज में बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो हम नंबर डायल करने वाले हैं, इस नंबर के पीछे ये स्टोरी है कि जब भी आप ये नंबर डायल करते हो आपका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट जाता है, और उधर से दूसरा कोई नंबर से कॉल आता है और बहुत ही वियर्ड अजीब सा साउंड उधर से आता है। तो इस नंबर पर हम कॉल करते हैं और देखते हैं। जो नंबर है वो है 1 2 0 7 0 4 2 6 0 4। इस नंबर पे कॉल करके देखते हैं और यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। ये नंबर भी कट जा रहा है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बहुत ही अच्छा हुआ ये नंबर से कॉल नहीं गया और नॉट एग्जिस्ट बता रहे हैं। अच्छा है, मैं प्रे यही कर रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। तो गाइस नेक्स्ट जो हम नंबर पे कॉल करने वाले हैं वो नंबर बोला जाता है कि कोई मेंटल इंसान जो है उस फ़ोन के तरफ बैठा है और वो कोई एक कोड बोलता है, और वो कोड जो होता है वो दैट कोड होता है। नंबर पे कॉल करके देखते हैं कि क्या कुछ कोई बोलता है या फिर क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो नंबर है वो है 001-828-756-019। तो कॉल करके हम इस पर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करके देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हम डायल करने वाले हैं वो नंबर बहुत ही लंबा है और बहुत ही डरावना है। इस नंबर के पीछे ये कहानी है किसी कोई एक इंसान था जो घर से भाग गया था और उसको मतलब उसका जो विश था
कारण की वजह से वो घर से भागा था और उसका कोई विश था जो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही उसका डेथ हो गया था और उसका मोबाइल जो है उसके पास ही था, मतलब जहाँ उसका डेथ बॉडी जो मिला, जहाँ से रिकवर किया गया, उसका मोबाइल नंबर वहीं उसके पास था और उसके नंबर पे उसका माँ ने जब किसी एक दिन उसको कॉल किया इसी नंबर से, मतलब जिस नंबर से उसने माँ ने कॉल किया, तो वो नंबर एक्टिव था, फ़ोन जो है रिसीव, कोई सामने वाला रिसीव कर रहा था और उधर से बहुत अजीब अजीब सा उसको माँ को साउंड सुनाई दे रहा था। तो इस नंबर के पीछे कुछ ऐसा ही स्टोरी है और ये नंबर कहाँ का है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा है कि ये नंबर कहाँ का है, लेकिन ये नंबर बहुत लंबा है, कुछ 14-15 अंकों का नंबर है। तो चलिए इस नंबर पे डायल करके देखते हैं। ये नंबर बिजी बता रहा है, मतलब फिर से कॉल करूं, फिर से एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ये नंबर बिजी बता रहा है। नंबर यू ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कॉलर की जिलम सुनते हो निपले लोग सबसे गलत आना। ये नंबर बार बार बिजी बता रहा है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है नंबर बिजी क्यों बता रहा है। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। नंबर यू ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। कॉलर की जिलम सुनते हो निपले लोग सबसे गलत आना। ये नंबर बिजी बता रहा है, 3 बार मैंने ट्राई करके देखा और तीनों बार जो है बिजी बता रहे हैं, तो अब मैं इस पर ट्राई नहीं करने वाली हूँ। हो सकता है अगर कोई रिसीव कर लिया तो मैं तो यहीं पे ख़त्म हो जाऊँगी, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तो नंबर है तीनों बार डायल करने में बिजी बता रहा था, तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि ये नंबर नहीं लगा, वरना पता नहीं क्या होता, कितना डरती मैं। ऐसे ही 2 वीडियोस करने के बाद जो मेरे हालत हुए हैं वो बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत डरावना एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ। तो अब मैं नहीं चाहती कि, बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि ये नंबर जो है कॉल लगे, कोई उठाए या कुछ बोले, बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। लेकिन मैं ये भी चाह रही थी कि कोई तो उठा ले, कोई नंबर एक लग जाए, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लगा। तो आज के लिए इतना ही, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, कोई भी नंबर पे आप ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा डेंजरस नंबर है ये सब, बहुत रिस्की नंबर है, इनके पीछे जो सब बहुत हर तरीके का एक रियल स्टोरी है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये घर पे ट्राई करके देखो, अभी रात के 3 बजे जो ये डेविल आवर होते हैं रात के टाइम, तो ये आप ध्यान रखना, गलती से भी घर पे ये सब ट्राई मत करना।